हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्ट चैनल स्केच विद एसएम आर्ट। तो आज हम सीखेंगे कि क्या होती है स्केचिंग। स्केच ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आर्टिस्ट के लाइफ में। हम जानते तो है कि स्केच मतलब कुछ ड्राइंग बनाना, लेकिन इस वर्ड स्केच का असली मीनिंग क्या है? अ क्विक सिंपल ड्राइंग विदाउट मैनी डिटेल्स ऑन इट। ड्राइंग जो क्विकली बनाई हो और उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे स्केच। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आर्टिस्ट बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पे कुछ लोगों की ड्राइंग बना रहा हो, तो वो लोग तो ज़्यादा देर ठहरने वाले हैं नहीं उसके लिए, तो वो क्या करता है, 2-3 मिनट्स में ही उसकी ड्राइंग बना देता है। उसको हम बोलेंगे लाइव स्केचिंग। अगर किसी आर्टिस्ट को एक पेंटिंग बनानी हो, तो वो उसकी एक रफ ड्राइंग बनाता है, उसको भी हम स्केच बोलते हैं। स्केचिंग करने से आर्टिस्ट को बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। स्केचिंग क्विकली होती है, इसके लिए आर्टिस्ट को चीज़ें क्विकली ऑब्जर्व करने की आदत हो जाती है और उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। स्केचिंग करते वक्त एक मज़ा आता है, एक सुकून मिलता है कि हम कुछ क्रिएटिव बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसीलिए स्केचिंग करने में मज़ा आता है। और कई तरीके की स्केचिंग होती है, जैसे कि लाइव स्केचिंग या फिर अपने इमेजिनेशन से कुछ बनाया हो। लाइव स्केचिंग क्या होती है, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है या फिर कोई इंसान हो या फिर कोई सीन हो जो आपको आपके आँखों के सामने हो और आप ड्रॉ कर रहे हो, उसको हम लाइव स्केचिंग बोलते हैं। दूसरा होता है कुछ इमेजिन करके आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कोई मूवी का कैरेक्टर हो गया या फिर कोई इंसान का चेहरा या फिर कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सीन जो आपने इमेजिन किया है और फिर आप ड्रॉ कर रहे हो, इसको भी हम स्केचिंग बोलते हैं। और हो सकता है कि कुछ डिज़ाइंस आपने बनाए, कुछ पैटर्न्स बनाए, लाइक मंडला आर्ट बना दिया, जो दिखने में अच्छा दिख रहा हो ऐसे कोई डिज़ाइन आपने इमेजिन करके बना दी, ये भी स्केचिंग है, इसको हम डूडलिंग भी बोलते हैं। तो ये हो गई स्केचिंग। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि स्केचिंग क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आपकी जो भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारा जो चैनल स्केच विद एसएम आर्ट उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।